मीरापुर उपचुनाव का रण जीतने के लिए सीएम योगी ने जिन तीन मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है उनमें वन राज्य मंत्री केपी मलिक भी शामिल है। केपी मलिक जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से मीरापुर पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, मंत्री सोमेंद्र तोमर हैं, अनिल कुमार हैं और आपको भी मीरापुर जीतने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरीके से जा रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव? आज आप देख रहे होंगे सनुज भाई, कितना उत्साहित था हमारा कार्यकर्ता, कितना उत्साहित था हमारा बूथ कार्यकर्ता। इसी उत्साह से आप सबक ले सकते हो, देख सकते हो कि ऐतिहासिक जीत आने वाले दिनों में हमें मिलने वाली है। अच्छा, जैसे जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या लग रहा है, जनता किस तरह की बातें, आप लोग क्या ऐसी मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं जो लग रहा है कि जनता आप ही को चुनेगी? वो बिल्कुल महसूस कर रही है, जो भूल पिछले दिनों हमने की थी कम मतदान करने की, अब की बार उस भूल को भी दूर करेंगे और एकजुट होकर सब दूरियां बुलाकर, सब इधर उधर की बात बुलाकर एकदम सब मिलकर ऐतिहासिक मतदान करने का काम करें। पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकास तो बहुत हुआ है, तो वही विकास की बात पब्लिक को समझ में आ रही है, आप लोग बता भी रहे? बिल्कुल, पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने यहाँ के एक एक रास्ता एक एक उससे हमसे जानकारी की और फिर उसकी घोषणा ही नहीं, उसको फाइनल रूप देने का काम किया। मुकाबला किससे लग रहा है, चूंकि देखिए कादिर राणा है, कद्दावर नेताओं में गिनती होती है, जब ये मोरना सीट थी तब यहाँ से विधायक भी रहे हैं, इस बार उनके पुत्र वधु हैं सुमूल राणा, और जो आपके आजाद समाज पार्टी है उन्होंने यहाँ से जाहिद हसन को उतारा है, बसपा ने यहाँ से भी अपना कैंडिडेट उतारा है, AIMIM उसने भी अपना उतारा है, तो चारों तरफ से घेराबंदी तो कर रहे हैं ना, तो मुकाबला वैसे किससे लग रहा है? ये बड़े जागरूक कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के, ये एकजुट होकर वो निर्णय इन्होंने लिया है कि कौन मुकाबले में आओगे, ये विषय खत्म करने वाले हैं, एक तरफा जीत देने वाले, एक तरफा जीत, किसी से कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला। इतना आश्वस्त किस वजह से? पक्का पक्का, आप देख रहे होंगे यहाँ का माहौल, यहाँ के उत्साहित कार्यकर्ता, इनकी बदौलत। अच्छा, जिस तरीके से आपको यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है, तो अभी जैसे भूपेन चौधरी ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने, घर घर की कुंडी खटखटाएंगे, हर चौखट पे जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता कर भी रहे हैं और जहाँ उन्हें जरूरत पड़ती है मानसिक ताकत देने का काम हम सब लोग, पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सब उनका सहयोग करने में लगे। जीत को लेकर आश्वस्त है? पक्का पक्का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए वन राज्य मंत्री केपी मलिक किस तरीके से कह रहे हैं कि इतने विकास के काम हुए हैं कि कोई सामने मुकाबले में है ही नहीं और मुकाबला किसी से नहीं है, वो सीधा जीत का दावा कर रहे हैं कि जो RLD गठबंधन के प्रत्याशी मिथिलेश पाल हैं वही चुनाव जीत कर यहाँ पर आएंगे, लेकिन इनके दावों में कितना दम है ये यहाँ के मतदाता तय करेंगे। सनुज शर्मा, ABP न्यूज, मीरापुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.